तो स्वागत है मेरे YouTube चैनल टेक्निकल कॉल में। इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ कि हम लैपटॉप सिस्टम अपने वाईफाई से कनेक्ट करवाते हैं, पर मोस्टली प्रॉब्लम आती है कि लैपटॉप बार कनेक्ट होता है वाईफाई से या तो उसमें इंटरनेट नहीं चलता, अगर कनेक्ट होता है तो बार बार डिसकनेक्ट हो जाता है। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि विंडो आर दबाना है। विंडो आर दबाएंगे तो आपको लिखना है ncpa.cpl। तो ncpa.cpl डालते हो तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? ncpa नेटवर्क कनेक्शन कंट्रोल पैनल। जैसे आप ncpa.cpl डालते हो तो ये क्या करेगा, आपके नेटवर्क कनेक्शन को ओपन करेगा जिसके अंदर आपके ब्लूटूथ कनेक्शन है, अर्थानेट है और वाईफाई है। आपको क्या करना है कि आपके वाईफाई में इशू आता है बार बार कि भाई आप वाईफाई से कनेक्ट करवाने की कोशिश करते हो पर ये एक बार सिग्नल को कैच करता है या वाईफाई एक बार कनेक्ट होता है वापस डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो उस केस में आपको क्या करना है कि भाई वाईफाई वाला जो नेटवर्क कार्ड है उस पर राइट क्लिक करके उसको डिसेबल करना है। आप देखिए डिस्प्ले पे प्रोसेस कुछ हो रहा है, ये डिसेबल हो गया। उसके बाद फिर सेम राइट क्लिक करके उसको इनेबल करना है। अब आप चेक कीजिए, अगर फिर भी आपका इश्यू आता है तो आपको क्या करना है कि माई कंप्यूटर पर राइट क्लिक कीजिए, मैनेज पे जाइए या फिर डिवाइस मैनेजर अपने पास ओपन हो गया है। डिवाइस मैनेजर ओपन होने के बाद आपको क्या करना है कि इसमें आपको देखना है डिवाइस मैनेजर पे आप क्लिक कीजिएगा। जैसे डिवाइस मैनेजर पे क्लिक करते हो तो आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप जो भी आप सिस्टम यूज़ कर रहे हो उसके अंदर हार्डवेयर जो भी अटैच है उसकी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। तो आपको उसमें क्या करना है, नेटवर्क कार्ड में जाना है। तो नेटवर्क कार्ड में जाने के लिए आपको इसमें सर्च करना पड़ेगा कि मेरे पास नेटवर्क कार्ड कौन सा है। जैसे इसमें बैटरीज, ब्लूटूथ, कंप्यूटर, डिस्क, डिस्प्ले अडेप्टर, उसके बाद आपको क्या करना है नेटवर्क कार्ड, ये नेटवर्क अडेप्टर। जैसे नेटवर्क अडेप्टर पर क्लिक करते हो तो मेरे पास डेल का लैपटॉप है और उसमें डेल वायरलेस 17058021 स्पीड में 2.8 की स्पीड से मेरे पास इसमें कार्ड लगा हुआ है। तो मैं उसको क्या करता हूँ, उसको अनइंस्टॉल करता हूँ। यस, आप जैसे इसको अनइंस्टॉल करते हो तो आपको क्या करना है कि ड्राइवर इस ऑलरेडी हार्डवेयर इसमें अटैच है तो ड्राइवर ऑटो अपडेट इसमें होगा। आपको कुछ नहीं करना है, बस अपने स्कैनर हार्डवेयर चेंज पर इसको स्कैन करवाना है। तो देखिए दोस्तों, मैंने इसको अनइंस्टॉल किया था और ये अपने आप ही ऑटो इंस्टॉल हुआ है। आप इसको अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्ट है तो आप इसमें अपडेट करवा लीजिए, नहीं तो आपको कुछ नहीं करना, बस इसको एक बार एक दो बार आप स्कैन कराइए और फिर कनेक्ट करके देखिएगा।